नमस्कार टेक ट्यूबर्स, स्वागत है आपका प्रो टेक्नोलॉजी यूजर्स की इस नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप रिमूव कर सकते हैं ग्रुप को अपने पीसी से और डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं अपने विंडोज बूट में। सो लेट्स गेट इन। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है और यहाँ पे पावर बटन में क्लिक कर लेना है। और अब आपने अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड करना है और उसके बाद रिस्टार्ट में क्लिक करना है। इसके बाद प्लीज़ वेट लिखा हुआ आएगा और इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे आपने ट्रबल शूट में क्लिक करना है, यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शन में क्लिक करना है, इसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट को खोल लेना है और इसके बाद थोड़ी देर तक ब्लैक स्क्रीन आएगी और उसके बाद आपका पीसी रीस्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा ग्रुप खुलेगा। यहाँ पे आपने नीचे जाके विंडोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। इसके कुछ देर बाद इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पे आपने अपने अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अपने अकाउंट का पासवर्ड डाल देना है। अब यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। इसके बाद आपने टाइप करना है बूट रैक। और स्लैश देके स्कैन ओएस। ये जितना भी टाइप करना है इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है, आप वहाँ से देख करके टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपने एंटर करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं बूट रैक डालने के बाद आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो इनमें से सबसे पहले आपने फिक्स MBR वाला ऑप्शन यूज़ करना है। यहाँ पे आपने डालना है बूट रैक, उसके बाद स्पेस देके स्लैश फिक्स MBR और एंटर कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपने फिक्स बूट वाली कमांड को लिख देना है और एंटर कर देना है। इसके बाद आपने लास्ट स्टेप करना है रीबिल्ड BCD का। यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है रीबिल्ड BCD और एंटर कर देना है। ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर लेना है और यहाँ पे टर्न ऑफ योर PC में क्लिक करना है ताकि आप देख सकें कि अगली बार ग्रुप आता है या नहीं। इसके बाद अपने PC को दोबारा खोल लीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे ग्रुप नहीं आया और सीधे ही विंडोज़ खुल चुकी है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स टेक्ट्यूबर्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा। धन्यवाद।